दोस्तों, किंग खान की फिल्म जवान देखने पूरा दुबई जा रहा है। जवान जितना क्रेज भारत में है उससे कहीं ज्यादा दुबई में देखने को मिल रहा है। जवान दुबई में ताबड़तोड़ कमाई कर रही हैं और पूरे थिएटर हाउस फुल चल रहे हैं। दुबई शेख भी शाहरुख की जवान को जमकर सपोर्ट कर रहे हैं। वही दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जवान फिल्म ने कुछ ही दिनों में करोड़ों का कारोबार भी कर लिया है। फिलहाल जवान फिल्म ने पूरे देश में सनसनी मचाई हुई है। वही फिल्म देश की सबसे कम दिनों के समय में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पहली फिल्म बन गई है, क्योंकि फिल्म जवान 1000 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। हम ये सोच रहे हैं कि 1000 करोड़ में शाहरुख 10-20 करोड़ बॉयकॉट वालों को भी दे देना चाहिए, क्योंकि पठान का उन लोगों ने काफी प्रमोशन किया था। दोस्तों, वैसे आप लोग अगर शाहरुख के फैंस हो तो सब्सक्राइब करना, वरना हम समझ लेंगे आप बॉयकॉट वालों में ही हैं। लेकिन अब देखा जाए हिंदी लैंग्वेज में तो जवान केवल हिंदी के अंदर भी 600 करोड़ की बाजी मार चुकी है। इतना पैसा देख कर रेड चिली वालों को भी चक्कर आ रहे हैं। वही दोस्तों, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर फिल्म की निर्माता पत्नी हो तो एक्टर को अच्छा एक्टिंग करना ही पड़ता है। अब जवान ने पैसा गोरी खान ने लगाया तो शाहरुख भी बेचारे नॉर्मल एक्टिंग करके टाइम पास नहीं कर सकते, क्योंकि उधर गोरी का पैसा डूबा, इधर शाहरुख का घर में आना बंद। खैर दोस्तों, अब जवान के बाद आगे क्या करेंगे शाहरुख, इसकी बात करें तो पहले टाइगर 3 में नजर आएंगे। लेकिन कल ही एक न्यूज वायरल हो रही थी, जवान के फैंस ने टाइगर 3 के फैंस को बहुत मारा। दोस्त तो कभी कभी एक्टर को समझ नहीं आता उनके फैंस करना क्या चाहते हैं। मतलब टाइगर 3 में सलमान खान के साथ शाहरुख काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ इनके फैंस आपस में लड़ रहे हैं। वही आगे शाहरुख की डंकी भी इसी साल रिलीज होने वाली है। वही दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दे कि जवान ने प्रभास की फिल्म सालार को काफी पीछे छोड़ दिया है। सितंबर का पूरा महीना जवान का होने वाला है और हो सकता है इंडियन सिनेमा के सारे रिकॉर्ड टूट जाए।